क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ अंपायर की भी अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि अंपायर के एक फैसले से मैच का रुख बदल सकता है, मैच हारा जा सकता है, जीता जा सकता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की कमाई पर तो लोग खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम आपको इस स्टोरी में 2019 के विश्व कप में चुने गए अंपायरों की कमाई के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि अंपायर को टेस्ट, वनडे और T20 मैचों में कितना पैसा मिलता है। हालांकि 2019 के विश्व कप से पहले किसी भी अंपायर की सैलरी को ICC ने जारी नहीं किया है। अलीम डार, पाकिस्तान की तरफ से आने वाले एकमात्र अंपायर। अलीम डार विश्व कप 2003, 2007 और 2011 समेत कई बड़े टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुके हैं। एमिरेट्स एलिट एम्पायरों के पैनल में मौजूद डार को 2009 और 2010 में लगातार दो बार अंपायर ऑफ द ईयर का खिताब मिल चुका है। डार को टेस्ट मैच में अंपायरिंग के लिए $3,000 रुपये यानी $2,10,874 रुपये मिलते हैं, तो वहीं T20 मैच में अंपायरिंग के लिए $70,291 और वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना $31,63,117 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। नाइजल लॉन्ग, दुनिया के सबसे महंगे और बेहतर एम्पायरिंग करने वाले लोगों में नाइजल लॉन्ग का नाम दूसरे नंबर पर आता है। जानकारी के मुताबिक नाइजल लॉन्ग को टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये, T20 के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग करने के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। नाइजल लॉन्ग ने 2011 विश्व कप में भी एम्पायरिंग की थी। पॉल रिफेल 1999 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2004-2005 में अंपायरिंग की शुरुआत की। उन्हें ICC की तरफ से टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये, T20 मैच के लिए $70,291 रुपये तो वहीं वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना $31,63,117 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। क्रिस गफाने का नाम दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट अंपायरों में से है। उन्हें टेस्ट मैच में अंपायरिंग के लिए $2,10,874 रुपये मिलते हैं, तो वहीं T20 मैचों में अंपायरिंग के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना $31,63,117 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। इयान गोल्ड, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और अंपायर इयान गोल्ड ने ICC क्रिकेट विश्व कप 2083 में एक विकेट कीपर के रूप में खेला था। इयान गोल्ड को ICC की तरफ से टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये मिलते हैं, तो वहीं T20 के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना वेतन के तौर पर करीब $24,60,202 रुपये मिलते हैं। कुमार धर्मसेना, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और ICC के एलिट पैनल में शुमार कुमार धर्मसेना ने अंपायरिंग की शुरुआत 2009 में की थी। धर्मसेना न केवल बेहतर अंपायर हैं, बल्कि उन्हें सबसे अमीर अंपायरों में भी शामिल किया जाता है। उन्हें ICC की तरफ से सालाना $24,60,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें ICC की तरफ से टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये, T20 मैचों के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मिलते हैं। रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2006 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अंपायरों की सूची में शामिल किया था। इसके बाद नवंबर 2009 में उन्हें प्रमोशन मिला और वो ICC की इंटरनेशनल पैनल में शामिल हो गए। उन्हें ICC की तरफ से सालाना $24,60,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें ICC की तरफ से टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये, T20 मैचों के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के लिए $1,54,641 रुपये मैच फीस के रूप में मिलते हैं। रिचर्ड कैटेब्रो को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2006 में अंपायरों की सूची में शामिल किया था। वो ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 के अंपायरों में से एक थे। कैटेब्रो को सालाना $24,60,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये देती है, तो वहीं T20 मैचों के लिए $70,291 रुपये और वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए उन्हें $1,54,641 रुपये मैच फीस मिलती है। ब्रूस ऑक्सनफोर्ड, ऑस्ट्रेलिया एम्पायर ब्रूस ऑक्सनफोर्ड दुनिया के सबसे महंगे एम्पायरों में शामिल हैं। ब्रूस ऑक्सनफोर्ड ने नवंबर 2001 में एम्पायरिंग की शुरुआत की थी। ब्रूस को ICC की तरफ से सालाना $24,60,000 रुपये वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए $2,10,874 रुपये, T20 मैचों के लिए
70,291 रुपए और वनडे इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग के लिए 1,54,641 रुपए मैच फीस देती है। रॉड टकर दुनिया के बेहतरीन अंपायरों में से एक हैं। उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलिया में T20 इंटरनेशनल मैचों में बतौर क्रिकेट एम्पायर के रूप में शुरुआत की। ICC वर्ल्ड T20 2009 और 2010 के साथ ही ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में भी उन्होंने अंपायरिंग की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। बाकी अंपायरों की तरह उन्हें भी ICC की तरफ से टेस्ट के लिए 2,10,874 रुपए, T20 मैचों के लिए 70,291 रुपए और वनडे इंटरनेशनल मैचों के एम्पायरिंग के लिए 1,54,641 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना वेतन के तौर पर 24,60,202 रुपए मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीकी एम्पायर को दुनिया के सबसे बेहतरीन एम्पायरों में गिना जाता है। उन्हें अगस्त 2008 में ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया था। ICC की तरफ से मराइस को टेस्ट के लिए 2,10,874 रुपए, T20 मैचों के लिए 70,291 रुपए और वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग के लिए 1,54,641 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें सालाना 24,60,202 रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। सुंदरम रवि क्रिकेट विश्व कप 2019 के 12 एलिट एम्पायरों में शामिल एकमात्र भारतीय एम्पायर का नाम सुंदरम रवि है। सुंदरम रवि ने अक्टूबर 2011 में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 इंटरनेशनल मैचों से एम्पायरिंग करियर की शुरुआत की थी। सुंदरम रवि को ICC की तरफ से सालाना 24,60,000 रुपए वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें ICC टेस्ट के लिए 2,10,874 रुपए देती है, तो T20 मैचों के लिए 70,291 रुपए और वनडे इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग के लिए सुंदरम रवि को 1,54,641 रुपए मैच फीस के रूप में मिलते हैं।